कोहली को भला कौन नहीं जानता। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर किसी के जुबान पर विराट कोहली का नाम है। लेकिन विराट कोहली आज जिस मुकाम पर है, जिस मुकाम पर वो खड़े है, वो ऐसे आकर नहीं बैठे। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तब जाके उस इस मुकाम पर है कि जहाँ पर सारे लोग विराट कोहली का नाम उनको जानते। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि विराट कोहली की सक्सेस स्टोरी किस प्रकार से वो एक मेहनत करके एक छोटा सा लड़का यहाँ पर आकर पहुँचाए। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। विराट कोहली का जन्म हुआ था 5 नवंबर 1988 को। उसके बाद विराट कोहली के पिताजी का नाम है प्रेम कोहली और उनके माताजी का नाम है सरोज कोहली। उसके बाद विराट कोहली ने जो अपनी बचपन की सारी शिक्षा है वो विशाल भारती स्कूल से ली। विराट कोहली एक पंजाबी फैमिली से है। उसके बाद विराट कोहली को एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन भी विराट कोहली को है। 2008 को विराट कोहली के पिताजी की मौत हो चुकी थी। उनके घर वाले कहते थे कि जब विराट सिर्फ 3 साल का था तभी वो अपने हाथ में बैट पकड़ ली थी और अपने पिताजी को उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए कहा था। उसके साथ उनकी जो क्रिकेट के प्रति प्रेम था उसे देखकर उनके पिताजी ने, जो विराट कोहली 9 साल के थे तब, उनको वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में उनका उन्होंने भर्ती करवा ली। उसके बाद विराट कोहली ने अपने क्रिकेट के साथ अपनी पढ़ाई पर भी वो अव्वल रहते थे, इसलिए उनके टीचर्स हमेशा कहते थे कि विराट कोहली तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है हमें, तुम कुछ अच्छे बड़े आदमी बनोगे अपने फ्यूचर में। उसके बाद उनके पड़ोसी को भी मालूम था कि विराट कोहली किस प्रकार से क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए उन्होंने भी उनके परिवार को कहा कि उसको विराट कोहली को एक एकेडमी में भर्ती करवा दीजिए। कोहली को वेस्ट दिल्ली एकेडमी में राज शर्मा जी उनको ट्रेनिंग देते थे। उसी के साथ साथ विराट कोहली ने कहा था कि उनके जो पिताजी, उनको ब्रेन स्ट्रोक लगा था 2006 में। उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने उनके पिताजी को खो दिया था। उसके बाद विराट कोहली कहते हैं कि मेरे जो पिताजी थे वो मुझे बैट ला के दी, वो मेरे साथ खेलते थे, मैं जो आज क्रिकेटर हूँ, मैं जो क्रिकेटर बना वो सिर्फ मेरे पिताजी की वजह से, क्योंकि मुझे अगर क्रिकेटर बनाने में किसी की पूरी कमी है वो मेरे पिताजी की। उनको उनके पिताजी की कमी अभी तक महसूस होती है विराट कोहली को। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर मुझे पिताजी की एक भी बात याद आती तो मुझे आज भी आंसू आते हैं मेरे आंखों में। अपने जो दो बड़े भाई और बहन के साथ एक किराए के रूम में रहते थे, किराए के रूम में उनको रहना पड़ा था। विराट कोहली का टर्निंग पॉइंट जब एक दिन था जब विराट कोहली अपनी टीम के लिए एक रणजी मैच खेल रहे थे, दिल्ली टीम के लिए एक रणजी मैच खेल रहे थे। मैच खेलते खेलते उनको अचानक एक फ़ोन आया और उनको पता चला कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बेटा जो सिर्फ 18 साल का था उसको सदमा लगा, इतना गहरा सदमा लगा कि मेरे पिताजी अब मैं इस दुनिया में नहीं है। और तब उनके कोचेस सभी प्लेयर्स, विराट तुम मत जाओ, तुम्हें यहाँ पर खेलना पड़ेगा, हमें हमारे टीम को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, अगर तुम गए तो यह मैच हम हार जाएंगे, सब कह रहे थे। विराट कोहली पिताजी के जो सदमा लगा था पिताजी जाने का, विराट कोहली उससे कैसे संभल पाते, लेकिन क्रिकेट के प्रति जो उनकी निष्ठा है वो हमें दिखती है। विराट कोहली के पिताजी का देहांत हो चुका था फिर भी वो यहाँ पर डटे रहे। इस रणजी मैच में विराट कोहली खेले और वहाँ पर अच्छी शानदार पारी की बदौलत विराट कोहली की जो दिल्ली टीम थी वो रणजी मैच वहाँ पर जीत चुकी थी। इसके बाद विराट कोहली घर गए, अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। यही बात विराट कोहली का हमेशा मान बनाती रही है और यही जो उनका स्वभाव है, जो मानसिकता है क्रिकेट के प्रति, जो उनकी निष्ठा है, यही विराट कोहली को एक महान क्रिकेटर, एक महान व्यक्ति बनाती है। विराट कोहली की अगर क्रिकेट की बात की जाए, क्रिकेट करियर की बात की जाए, तो विराट कोहली सबसे पहले इंडियन टीम में ओडीआई टेस्ट के एक कैप्टन है। उसी के साथ साथ विराट कोहली दायक के बल्लेबाज और इंडियन प्रीमियर लीग में और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान है। जब वो विराट कोहली 18 साल के थे तब मलेशिया में हो रहे अंडर-19 वर्ल्ड कप में विराट ने वहाँ पर इतिहास रचा था। 2008 में इंडियन अंडर-19 टीम वहाँ पर वर्ल्ड कप जीती थी। उसके कुछ महीने के बाद विराट कोहली का यह प्रदर्शन देखकर उनको टीम इंडिया में जगह मिली थी। उस टीम इंडिया में सिलेक्ट हो चुके थे विराट कोहली। उसके बाद सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग चोट के कारण बाहर हो गए, तब उनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला और पहली मैच में विराट कोहली महज 12 रन कर वो आउट हो चुके थे। लेकिन उनके जो क्रिकेट के प्रति निष्ठा थी वो उनको वहाँ पर संभाला और चौथे एक दिवसीय मैच में विराट कोहली ने शतक जड़कर कहा कि ये शुरू हुआ विराट कोहली की गाथा। विराट कोहली एक क्रिकेटर बने यही से। यह सिर्फ अपने चौथे मैच में यहाँ पर शतक जड़कर विराट कोहली ने ऐलान कर दिया था कि अब मैं यहाँ से अपना करियर शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद विराट कोहली की टीम इंडिया में जगह बनती रही और शानदार प्रदर्शन वो बाद में करते रहे।
ने अपने क्रिकेट के अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्होंने टीम इंडिया में जगह बनाई थी और 2011 के वर्ल्ड कप में वो मध्य क्रम में खेलते हुए इंडियन टीम का जो जीती थी 2011 का विश्व कप, तब विराट कोहली उस टीम के साथ थे। उसी के साथ साथ 2011 में विराट कोहली ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। उसके बाद 2013 में उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़कर ODI रैंकिंग में नंबर एक की जो जगह है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद विराट कोहली का ये जो क्रिकेट करियर ऐसे ही शुरू होता। उसके बाद 2014 में महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद विराट कोहली ने उसकी कमान संभाली। 2014 में टेस्ट क्रिकेट टीम के इंडियन टीम के वो कप्तान बने। उसके बाद उन्होंने ODI में अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्होंने T20 की जब आया था क्रिकेट में, उसमें भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया और लगभग एक साल में T20 के नंबर एक रैंकिंग के स्थान में उन्होंने वहाँ पर हासिल कर लिया था। उसके बाद उनको अर्जुन पुरस्कार जैसे बड़े बड़े पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद विराट कोहली ने 2013 में अपना एक फाउंडेशन शुरू किया जो वहाँ पर वो गरीब बच्चों की वहाँ पर मदद करते थे विराट कोहली, उन्होंने उसका नाम विराट कोहली फाउंडेशन रखा है। विराट कोहली आज जिस मुकाम पर खड़े हैं वो सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत और उनके जो साहस है उसकी वजह से। तो चलिए आगे जानते हैं विराट कोहली के कुछ। सबसे पहले उनके जो कोच थे अनिल चौधरी, उन्होंने उनको एक निकनेम दिया था चीकू करके, वो आज भी उनको बुलाया जाता है उस नाम से। विराट कोहली भारतीय टीम में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 52 गेंदों में शतक लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उसी के साथ साथ विराट कोहली टैटू के भी शौकीन है, उन्होंने लगभग 4 टैटू अब तक बनाए। वो सामुराई योद्धा के टैटू उनको ज़्यादा पसंद है। विराट कोहली अपने फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते। दुनिया के सबसे 10 महंगे कपड़े पहनने वालों की जो सूची उसमें विराट कोहली का नाम भी शामिल है। 2013 में उनको शानदार प्रदर्शन के बाद प्रणव मुखर्जी से उनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। सिर्फ 23 साल की उम्र में विराट कोहली ने ICC का जो अवार्ड होता है ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, वो उन्होंने जीता था। तो इसी महान खिलाड़ी के लिए एक लाइक जरूर बनता है। तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते अगली वीडियो में।